So, uh, today we will be starting with the new topic that is adaptation. Okay, so here uh, let me remind you what we have studied in a previous video lecture was about. ए बायोटिक फैक्टर और आई कैन से द फिजिकल इन्वायमेंट यू नो फिजिकल इन्वायरमेंट में हमने क्या क्या स्टडी किया अबाउट द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड द इराफिक फैक्टर जहाँ पर हमने लाइट और वाटर ह्यूमिडिटी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स देखे ओके एंड देन वो सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुंस होता है प्लांट और एनिमल पे वो हमने देखा था ओके सो यू नो दैट वेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल इन्वायमेंट ओके व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट यू नो दैट वहां जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनको अपने आपको एडजस्ट करना होता है राइट सो दैट एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दर फिजिकल एनवायरनमेंट ओके इज कॉल्ड एज अडाप्टेशन सो हाउ आई कैन डिफाइन द अडाप्टशन इज इट्स अ Action or the process where something changes, shown by organism, okay, that there will be something change. विच इज शोन बाय ऑर्गैनिज्म जैसे कि मैं बोलूँ बिहेवियरल चेंजेस होगा या फिर कुछ फिजिकल कैरेक्टराइजेशन में चेंजेस होगा एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सरवाइव इन द बेटर वे टू देयर एनवायरमेंट राइट अगर वो कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाते हैं फिजोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ यूनिक कैरेक्टराइजेशन होता है प्लांट हो या एनिमल के सो so वो एक्चुअली क्यों होता है बिकॉज दे हैव टू एडजस्ट देयर पर्टिक्युलर इन्वायरमेंट ओके सो दैट इज कॉल्ड एज अडाप्टेशन एंड यू नो वाई द अडाप्टशन इज वेरी इंपॉर्टेंट उनविटी बिकॉज यू नो एवरी ऑर्गेनिज दे हैव देयर यूनिक इकोसिस्टम जहां पर उनको सर्वाइव करना होता है या वेयर दे हैव टू लीव सो ऑल नीड टू अडप्ट टू देर हैबिटाट राइट और ये क्यों होता है बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव देर बिकॉज दे हैव टू यू नो सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पर उनको सर्वाइव करना है एंड देन जो भी फूड रिसोर्स अवेलेबल है उसको एडजस्ट करना है एंड देन स्पेस जो भी है सो वॉट एवर देर इज चेंजेस और वेरिएशन इन यू नो इनवायॉयमेंटल कंडीशन देर दे हैव टू सर्वाइव सो दैट्स वाई देर्टन काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन मॉर्फोलॉजी फिजोलॉजी एंड एक्सेट्रा ओके सो दैट्स वॉट वी विल सी फॉर टूडे

यू नो सबको एडजस्ट करना होता है तो डेफिनेटली सब में कोई ना कोई यूनिक कैरेक्टराइजेशन होता है बट वी विल सी एंड चूज द सम ऑफ द एग्जाम्पल इन द प्लाट्स एंड एनिमल ओकेट लेट स्टार्ट विद दो टाइप्स ऑफ अडाप्टशन ओके यो वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन यू जस्ट ना अबाउट द अडाप्टेशन वही दिया हुआ है यहाँ पर लाइक यू नो एक्सट्रीम वेरिएशन जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है उसके साथ कोपअप करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है लाइक बिहेवियरली एडजस्टमेंट जैसे कि माइग्रेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन ये हमने स्टडी uh, किया था पिछले ही लेक्चर में राइट क्योंकि स्ट्रेसफुल एन्वायरमेंट होता है तो वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं तो वो एडजस्ट कर रहे हैं एक तरह के ये उनका बिहेवियर है तो इवन ये अडाप्टेशन का एक पार्ट uh, है ओके okay? मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कोई फिजिकल फीचर या यू नो पार्ट्स ऑफ द बॉडी होगा प्लांट का या एनिमल का जैसे कि कैक्टस या अपोनशिया आपने सुना है या देखा है तो वो अपोनशिया के ऊपर जो स्पाइंस होते हैं दैट स्पाइन इज नथिंग बट द मॉडिफाइड लीव तो आपको ये दिख रहा है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर है एक्सटर्नल पार्ट है ओके सो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या तो कैरेक्टराइजेशन में आएगा ओके फिजियोलॉजी की जब आप बात करते हो तो इट इज अबाउट द बॉडी प्रोसेस लाइक यू हैव हर्ड अबाउट द कैम पाथवे क्रसोलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो अगेन डेजर्ट प्लांट में आपको मिलेगा ओके सो दैट इज अ फिजोलॉजिकल प्रोसेस और द अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट ओके एंड नेक्स्ट इज बिहेवियर जैसे कि मैंने माइग्रेशन कहा राइट सो सच काइंड ऑफ अडाप्टेशन इज टेकन और शोन बाय द प्लांट और एनिमल अकॉर्डिंग टू यू नो द एनवायरमेंटल कंडीशन सो दैट दे कैन सर्वाइव एंड रीप्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर है नाउ वी कैन सी फॉर ओके टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन यो यर वेन वी सी द टाइप्स द फर्स्ट इज अवियरल अडेप्टन जिसका मतलब है समथिंग लाइक रिस्पॉन्स सो यिल से प्लांट और एनिमल डू समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ओके सो वी विल सी द एग्जाम्पल फर्दर बट बिहेवियर का मतलब इतना समझ लो कि समथिंग इज डन बाय द प्लांट और एनिमल टू सर्वाइवल ओके नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन सो वॉट इज द फिजियोलॉजी इट इज अर ऑल अबाउट द बॉडी प्रोसेस सो आई कैन से मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिक एडजस्टमेंट इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म या तो इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू द एन्वायरमेंटल स्टिम्यूलस इट मीन्स वट इन्वयमेंट के अकॉर्डिंग या उस वेरिएशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लांट या यू नो प्लांट या तो फिर एनिमल्स में कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस uh, में समथिंग यूनिक यू विल सी एंड इससे होता क्या है कि दैट विल हेल्प टू कोप अप द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर चेंजिंग इन्वायमेंट ओके सो दैट इज अबाउट द फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन सो वट अबाउट द स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन योर सो दिस इज अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सो इतना समझ लो कि यह जो भी चेंजेस आपको दिखता है जो भी स्पेशल कैरेक्टराइजेशन होता है दिस विल हेल्प द ऑर्गेनिज्म मे बी द प्लांट और एनिमल और एनी ऑर्गेनिज्म टू सरवाइव इन दैर पर्टिकुलर एनवायरमेंट ओके सो लेट एस सी विद द सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल that what kind of special characterization or the uh, adjustment they show or they are having according to their uh, existing environment right okay so we can see here adaptations in animals okay so animal will shows uh, different kind of adaptations like hibernation defense food obtainment camouflage so first we will see for the hibernation which is actually the example of behavioral adaptation

इट्स बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर वो अपना लोअर कर देंगे एंड ऑल्सो द हार्ट रेट एंड ऑल्सो अबाउट द ब्रीदिंग दे विल स्लो डाउन ओके सो सच काइंड ऑफ यू नो प्रोसेस जो है वो स्लो डाउंस कर देते हैं सो आई गेंग से दिस इज अ कंडीशन ऑफ द पीरियड ऑफ

सो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए बिकॉज आपको पता है कि अगर उस प्लांट या एनिमल को कोई खतरा है तो वो कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म शो करेंगे दे आर हैविंग समथिंग लाइक इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स सो यू नो उनके पास थॉर्न्स होता है या तो फिर स्पाइंस होता है कुछ प्लांट आपको पता है वो केमिकल को यू नो रिलीज करते हैं uh, ताकि जो भी उनको uh, यानि uh, या अटाक करने आ रहा है या अटैक करने आ रहा है तो दे विल बी एक्टिंग द डिफेंस मैकेनिज्म बट वेन वी टॉक अबाउट सम एनिमल्स सो इवन दे आर हैविंग द special adaptation to protect themselves from being hurt or being killed okay and also uh, being eaten so that is the defense so what kind of uh, uh, parts they are having to defend themselves? सो यू नो समिमल्स दे आर हैविंग द शार्प क्लॉव ओके उनके पास क्लॉव होता है या तो फिर आपको पता है उनके पास शार्प टीथ होता है नॉट ओनली दिस दिस इज वॉट दे आर हैविंग द फिजिकल कैरेक्टराइजेशन ये इसको फिजिकल अडाप्टशन बोल सकते हैं लेकिन कुछ है जो बिहेवियरल अडाप्टेशन के थ्रू भी डिफेंस करते हैं खुद को जैसे कि मिमिक्री ओके दूसरा है प्लेइंग डैथ सो वॉट इज प्लेइंग डेट सो दे विल बिहेव इन सच अ वे दैट वी विल कन्फ्यूज कि वो जिंदा है या वो डेड हो चुका है राइट सो वो जस्ट रियलाइज करवाता है कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नाउ इन अ डेड कंडीशन सो दैट प्रीडेटर उस पर अटैक ना करे या वो प्री को जल्दी से कैच कर पाए सो प्लेइंग डेड हो गया या स्प्रेइंग सम केमिकल्स हो गया सो सच काइंड ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म इवन द प्लांट एंड एनमल्स यू नो एनिमल सॉरी दे विल डू राइट सो दिस इज अबाउट द डिफेंस एंड नेक्स्ट वी कैन सी द फूड ऑप्टेनमेंट सो वॉट animals can do for food obtainment so you know uh, animals they are having special structures uh, which which they use for getting food चाहे आप बर्ड्स की बात कर लो राइट बर्ड्स की आप बात करेंगे तो यू नो दे आर हैविंग सर्टन बीक्स डिफरेंट शेप ऑफ बीक्स अलग अलग बर्ड्स में होता है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट राइट और इवन यू नो एनिमल्स में आपने देखा है हरबीवोर्स हो या कानीवोर्स हो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट दे शो द टीथ दे शो द क्लॉव सो या डिफरेंट काइंड ऑफ या तो शेप्स ऑफ uh, जो भी टीथ या क्लॉव आपको मिलता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट दे ईट सो दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स

ओके सो आई कैन से इट इज अ टैक्टिक और द डिफेंस दैट ऑर्गेनिज्म यूज टू चेंज देयर अपीरियंस वो अपने अपीरियंस को चेंज करते हैं जस्ट टू ब्लेंड विद सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, राइट सो बेसिकली व्हाई व्हाई दिस ज डन बाय दोज ऑर्गेनिज्म और एनी ऑर्गैनिज्म जस्ट टू मास्क देयर लोकेशन अपने लोकेशन को मास्क करने के लिए जस्ट टू मास्क देयर आइडेंटिटी एंड इवन द मोमेंट सो इससे क्या होगा कि जो भी लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम इंसेक्ट जिसने ऐसा केमोफ्लेग एक्टिविटी दिखाई है सो तो वो क्या करेगा कि जो भी उनके लिए प्रे है ओके okay? जो प्रे है उनको वो स्निक ऑफ करने के लिए हेल्प करता है लाइक दे विल भी वेरी साइलेंट एंड विल Uh, change themselves like in such a way that they can easily catch to the prey. और कोई predator है जो इनको अगर catch कर रहा है तो वो उसे अपने आपको protect भी कर सकता है because उन्होंने इस प्रकार अपने आपको mask किया हुआ है right? So now we will going to see the image of all these things. Okay? So you can uh, better understand that what exactly the defense is, how the how the uh, the animal defend, how uh, the फूड ऑप्टेनमेंट टेक्स प्लेस इन एनिमल विद हेल्प ऑफ वॉट पार्ट्स आई कैन सेन द केम ऑफ लैव ओके सो योर यू कैन सी द फर्दर स्लाइड सी द फूड ऑप्टेनमेंट जैसे कि मैंने कहा फूड ऑप्टेनमेंट के लिए यू कैन सी ये तो कार्निवरस एनिमल का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पर आपको पता है कि उनका जो टीथ है काफी शार्प होता है जैसे आपको मालूम है कि कार्निवोर एनिमल्स के लिए जो ईटिंग uh, हैबिट है ओके okay, वो हर्बीवोरस एनिमल होता है तो अल्टीमेटली दे हैव टू टीयर द फ्लैश राइट तो फ्लैश टीयरिंग के लिए या चिविंग के लिए दे नीड्स सर्टन शार्प आई कैन से टीथ एंड ऑल्सो द क्लॉब्स सो ये एक तरह से उनके फूड अपटेनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सो आई विल नॉट से ओनली फॉर द कार्निवर एनिमल बट ऑल्सो यू नो हर्बीवोरस एनिमल दे नीड सर्टन क्लॉव

वो अपने विंग्स को क्लोज कर लेंगे ओके okay? सो so ये अब उनके विंग्स को जब वो दोनों तरह से क्लोज करते हैं सो दिस रिजेंबल्स लाइक अ ड्राई लीफ ओके सो बेसिकली क्या होता है कि दे विल शो और ब्लेंड इन देयर इन्वाट इन सच अ वे दैट वो किसी भी प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और किसी प्रे को कैच करने के लिए इजिली उसको कैचअप कर सकते हैं राइट सो दिस इज वॉट दे डू राइट नेक्स्ट इज यू कैन सी फॉर द ओके यो यू विल सी अबाउट द शार्प क्लॉव्स टीथ एंड इवन द बीक्स ओके सो वी विल सी सी यो येस शार्प क्लॉव सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नॉट फॉर ओनली द ईटिंग पर्पज बट

शार्प क्लॉव्स ये जब शार्प क्लॉव्स होता है तो एक तरह से वो वार्निंग देता है सामने वाले एनिमल को राइट right? तो प्रिडेटर हो या कॉम्पिटिटर हो तो उनके लिए ये बैक ऑफ करना होता है लाइक वॉट दे विल डू दे विल बैक ऑफ इफ दे सी सच काइंड ऑफ यू नो वेपनी क्लॉव्स सो वो उनको थोड़ा डर लगता है एंड दे विल बैक ऑफ ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट डिफेंस ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर ईटिंग पर्पज सो दैट इज अबाउट द शार्प क्लॉव राइट नेक्स्ट वी कैन सी The Beaks

Structure of their uh, beak, so uh, they, uh, they will use their, uh, their tip of their bill as a finger just to pluck the fruit from the tree. Okay, so this is the purpose of the uh, hornbill. Uh, sorry, rhinoceros hornbill's beak. So you can see that uh, they will uh, having cer certain special kind of beak for their eating purpose or something. Okay, so this is also the adaptation according to their uh, environment, right? So next, what we can see is about द अडाप्टेशन इन द प्लांट्स सो रिमेंबर दैट इट वेन वी यू स्टडी अबाउट द प्लाट इट बिकम मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो अगर आप डिफेंस की बात करते हो तो यू you नो know, आपको पता है कि एनिमल्स में क्लॉज होता है टीथ होता है अगर आप उसको हर्ट कर रहे हो किल करने जा रहे हो तो वो रन ऑफ करेंगे या अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो करेंगे राइट right? कोई लोकोमोशन दिखाएंगे बट प्लांट्स की जब आप बात करते हो तो दे कैन नॉट लोकोमोट बट स्टिल दे डू सर्टन काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड देन दे आर हैविंग द प्रोसेस दे शो सर्टन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन दमसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट चेंजिंग Uh, you know environment because they have to adapt they have to survive they have to reproduce okay so this is uh, about the plants so you uh, you know uh, plants may be are type so they have depending upon their uh, habitat so when we talk about the halophytes so you know halophyte uh, basically is a mangrove plant so these plant uh, usually ग्रो इन द वॉटर विथ हाई सेलैनिटी यू नो सेटी का मतलब होता है जहां पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है ऐसे वाटर में हेलोफाइड्स रहते हैं राइट सो दिस प्लांट दिस सफर फ्रॉम फिजोलॉजिकल ड्रॉड यू नो ड्रॉड का मतलब है जहां पर कम पानी होता है बट दो प्लाट दे आर सर्वाइविंग वाटर बट सॉल्टी वाटर सो यूजअली वॉट दे डू इज दे विल नॉट अब्जॉर्व मच अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ सॉल्ट ओके okay, सो so, उनके पास भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो उस एनवायरमेंट में उनको यू नो सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है लाइक यू नो दे आर हैविंग द सॉल्ट ग्लैंड दे शो द न्यूमैटो फोरस सो वॉट इज अ सॉल्ट ग्लैंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ग्लैंड एंड वॉट इज अ न्यूमैटो फोर्स डेट वी विल डिस्कस सो सी जैसे कि uh, हमें पता है कि हमारे पास स्वेट ग्लैंड होता है वैसे कुछ मैंग्रोव्स के पास यू नो सॉल्ट ग्लैंड होता है सो so, बेसिकली आप देखेंगे अविसीनिया मराइना जो प्लांट है उनके लीफ के लोअर पोर्शन में आपको कुछ ऐसे सॉल्ट के लेयर बने हुए मिलते हैं ठीक है तो क्या होता है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट उनके बॉडी में यू नो कलेक्ट हो जाता है सो व्हाट दे डू इज दे विल सीक्रेट द सॉल्ट ओके लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो एक्सेस हो जाता है वो उसको बाहर यू नो दे थ्रो आउट और एक्सक्रीट आउट द सॉल्ट फ्रॉम द प्लांट सो ये अपने बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस सॉल्ट को रिमूव कर देता है और दैट इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ग्लैंड ओके सो दैट इज थिंग वी कैन सी इन द इमेज इन द नेक्स्ट स्लाइड ओके सो सी यस यू कैन सी हियर सीन सीनियर स्पीशीज राइट यू कैन सी दैट दिस इज अ लीव एंड दिस इज अ लोअर पोर्शन ऑफ द लीव जहाँ पर आपको साल्ट दिख रहा है ना सो इट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द प्लांट ओके सो दिस इज अ मेकैनिज्म ऑफ द हेलोफाइट, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन सच हैबिट राइट सो दिस इज अबाउट द सल्ट ग्लैंड एंड देन वेन वी से न्यूमैटो फोर्स सो योर यू कैन सी सी द न्यूमैटो फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पीरेटरी रूट सो लेट एस गो बैक अगेन येस so this is a spell of the pneumatophores okay here you can see the pneumatophore so usually what happens uh, the pneumatophore is a respiratory root jo usually aap dekhenge ki underground root part se unke branching se kuch branch wo uh, vertically upward grow ho jate hain theek hai और वो एक उल्टा cone यानी कि एक inverted cone like structure होता है जिसमें small small uh, aperture part होता है जिसको आप lenticel सेल बोलेंगे okay? इट इज कॉल्ड एज अ लेंटी सेल्स सो ये यूनिक कैरेक्टराइजेशन आपको मैंग्रोव में देखने को क्यों मिलता है बिकॉज यू नो कि ये ऑलरेडी ऐसे ये जो प्लांट्स है मैंग्रोव प्लांट वो ऑलरेडी ऐसे एरिया में ग्रो हो रहा है जहाँ पर वाटर है और सॉल्ट भी है जो कि फिल्ड है पूरा उस एरिया में ओके सो देर इज नो स्पेस इज रिमेनिंग फॉर ऑक्सीजन बट यू नो दैट रूट्स के लिए रेस्पिरेशन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट एंड दैट्स वाई सच काइंड ऑफ न्यूमैटोफोर स्ट्रक्चर विल डेवलप वर्टिकली अपवर्ड और उसमें जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लेंटिसल्स आपको दिखेंगे वो एक पोर की तरह एक्ट कर रहे हैं जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होता है एंड दे कैन टेक द ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग पर्पज एंड दैट्स वाई द न्यूमैटोफोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी root okay so that you have to understand this salt gland and pneumatophore you can see in the halophytes okay so this is about the halophyte adaptation now next is the free floating hydrophytes now you know hydrophytes so let us first understood what is hydrophyte fight is a plant एंड हाइड्रो यू नो इट इज़ अ वाटर सो जो भी प्लांट पानी में रहते हैं सर्वाइव करते हैं ग्रो करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइड्स बोलते हैं बट वाटर में भी रहने के लिए वो अगर वाटर uh, लेवल के ऊपर फ्रीली फ्लोट होते हैं तो उनको आप कुछ और बोलेंगे अगर वो पार्शली फ्लोट uh, हो रहे हैं लेकिन हाफ ऑफ द पोशन प्लांट का वो डिप है वाटर में तो उसको आप कुछ और बोलेंगे और अगर कुछ प्लांट पूरी तरह सबमर्ज है वाटर के अंदर तो आपको आप उसके लिए कुछ और टर्म uh, यूज करते हैं ठीक है सो रिमेंबर दैट वेन वी से फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट इट मीन्स वाटर लेवल के या वाटर बॉडी के सर्फेस के ऊपर जब कोई प्लांट होता है ओके सो दैट दे आर यू नो प्लांट इज फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सर्फेस सो दैट विल बी कॉल्ड इज अ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट ओके एग्जाम्पल है आईकॉर्निया ये हम लोग आगे देखने वाले हैं ठीक है आईकॉर्निया और दूसरा जो प्लांट होता है जिसको आप बोलते हैं जैसे कि मैंने कहा लोटस लोटस आपको पता है कि फ्लावर एंड लीफ उसका ऊपर होता है सर्फेस के एंड बाकी जो पिटियोल पार्ट है रूट प्लांट है वो पूरी तरह से अंदर होता है तो इसको आप बोलेंगे पार्शियली सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स ओके बट हाइड्रिला इज अ प्लांट जिसको आप बोलेंगे सबमर्ज हाइड्रोफाइट क्योंकि वो पानी के पूरी तरह से अंदर डिप हो जाता है ओके बट वी आर नॉट कंसर्न योर हम लोग यहाँ पर सिर्फ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं सो लेट एस यू नो अंडरस्टूड वट इज दिस वट इज द अडाप्टेशन इन द फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट ओके सो यू नो जस्ट रिमेंबर दैट दे आर हैविंग अ रूट पॉकेट see the root pockets and also their lamina is covered with the waxy coating why they are having uh, such part or such things that we will understand okay see here yes this is the iconia free floating hydrophyte. you can see that this is a water body japa plant part upper hair but they are having the uh, root part and the rhizoids uh, in the below water right but can you see the tip of the root may कौन शेप का छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा -like है कैप लाइक स्ट्रक्चर है बट रिमेंबर दिस इज नॉट रूट कैप दे आर अ रूट पॉकेट ओके सो वाई दिस दिस इज प्रेजेंट हियर सो रिमेंबर दैट एट द रूट टेप दे आर हैविंग दिस रूट कैप फॉर प्रोटेक्शन पर्पज प्रोटेक्शन के लिए होता है एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द बॉन्स ही ओके okay? ताकि ये पानी पानी में पूरी तरह से प्लांट डिप ना हो ये रूट रूट सॉरी रूट पॉकेट का यहां पर फंक्शन है बट वेन यू टॉक अबाउट द लीव यू नो दैट इवन द लीव दे आर हैविंग और कवर्ड विद द वैक्सी कोटिंग सो वैक्सी कोट जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है तो वैक्सी कोटिंग बेसिकली यू नो दे विल कंट्रोल द वॉटर लॉस ऑल्सो यू नो वैक्स जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है तो वो पानी में डिप नहीं होने देगा प्लांट को ओके सो सच काइंड ऑफ थिंग यू कैन सी इन द आईकॉर्नी प्लांट बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन अ वाटर पार्ट सो दे विल शो सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट बिकॉज दे हैव टू अडाप्ट दैट पर्टिकुलर एन्वायरमेंट ओके सो दैट इज अबाउट द फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट एंड नेक्स्ट इज सक्यूलेंट जेरोफाइट सो

अपोन्शिया या तो कैक्टस तो so, यहाँ आप अपोन्शिया देख रहे हैं जहाँ पर आपको ये मैंने पिछले टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था कि प्लांट में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा पैडी स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का पार्ट और उसमें छोटे छोटे स्पाइन होंगे ओके सो so, यहाँ का जो अडापटेशन है वो वो क्यों हुआ है या फिर वो कौन सा पार्ट है जो, जो मॉडिफाई हुआ है तो रिमेंबर दैट यूजुअली जब हम देखते हैं इस प्लांट को तो हमें लगता है कि ये जो एक्सपांडेड पार्ट है ये लीफ है जबकि ऐसा नहीं है यहां जो आपको स्पाइन दिख रहा है ना छोटे छोटे दैट स्पाइन इज अ लीफ बट वो लीफ रिड्यूस हो चुका है बिकॉज यूजअली आपको पता है लीफ थोड़ा एक्सपांडेड होता है ग्रीन कलर का होता है ओके वो फोटोसिंथसिस परफॉर्म करता है और ट्रांसपिरेशन भी करता है प्रॉब्लम यही है कि वो ट्रांसपिरेशन करेगा सो so इसीलिए क्या होता है कि लीफ में जितना बड़ा लीफ या एक्सपांडेड लीफ रहेगा उतना नमन्यूमरस स्टोमेटा होगा एंड स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होने का चांस है और बहुत ज्यादा ही यहां पर होगा बिकॉज डेजर्ट एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और पानी बहुत ही ज़्यादा कम है राइट सो इसीलिए पर क्या होता है कि जो लीफ है हैज रिड्यूस्ड इन अ स्मॉल स्पाइनी स्ट्रक्चर ओके बट द प्रॉब्लम इज अगर वो स्पाइन में कन्वर्ट हुआ है तो फोटोसिथेसिस कौन परफॉर्म करेगा राइट सो जो स्टेम होता है अपॉन्शिया प्लांट का वो एक्सपांड हो जाता है और वहां क्लोरोफिल पिगमेंट पूरी तरह से डेवलप हुआ है सो ये जो एक्सपांडेड पोर्शन है आप इसको बोलेंगे फाइलोक्लेड ओके वॉट इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेट एंड दिस इज फ्लैशी पैड लाइक स्ट्रक्चर है इफ यू विल ब्रेक इट ऑफ यू विल सी दैट म्यूसिलेज वाटर इज सबस्टेंस वो पूरी तरह से बाहर रिलीज होता है ओके सो याद रखना यहाँ पर कि लीव हैज बिन मॉडिफाई इन टू स्पाइन ये फर्स्ट थिंग है स्टेम हैज बिन मॉडिफाई इन टू पैडेड एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेट बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म फोटोज सिंथेसिस एंड ऑल्सो वाई दे आर वेरी फ्लैशी बिकॉज दे आर हैविंग अ स्टोरेज टिश्यू ओके स्टोरेज टिश्यू फॉर वॉट वाटर सो वॉट दे विल डू दे स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब भी उनको पानी मिलता है दे विल स्टोर और वैन देर इज अ लैक ऑफ वाटर वैन दे नीड वाटर फॉर देर मेटाबॉलिक परपज दैट स्टोरेज टिश्यू जो रहता है उनमें जो भी वाटर प्रेजेंट है वो यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर देर मैकेनिज्म ओके सो दैट इज द स्पेशल कैरेक्टराइजेशन शोन बाय पॉन्श और द डिजर्ट प्लांट हियर ओके सो रिमेंबर यहाँ पर मैंने आपको फोर चीजें थ्री चीजें बताई हैं फर्स्ट इज लीफ मॉडिफाई इन टू स्पाइन ओके सेकेंड मैंने कहा स्टेम मॉडिफिकेशन हुआ है इन टू फाइलोक्लेड फाइलोक्लेड थर्ड है यहाँ पर फाइलोक्लेड इज हैविंग स्टोरेज टिश्यू वॉटर विल गेट स्टोर्ड हियर ओके एंड फोर्थ जो मेकेनिजम है वो ये है कि दे विल शो कैम पाथवे ओके दे विल शो कैम पाथवे जो कि फिजोलॉजिकल प्रोसेस है सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर मतलब लिटिल लेटर इन दिस कमिंग स्लाइड ओके सो दिस इज अबाउट द सेक्यूलेंट जेरो फाइट ओके सो वॉट इज नेक्स्ट ओके सी यो दे ऑल्सो हैव द स्पेशल फोटो सिंथेटिक पाथवे सी दिस यू हैव स्टडीड इन योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड द सी थ्री साइकिल ओके सी फोर पाथवे और दी फोर साइकिल एंड देन द कैम पाथवे राइट सो वी आर कंसर्न यूर विद द कैम्प पाथवे राइट सो कैम्प पाथवे का फुल फॉर्म है क्रसोलेशन एसिड मेटाबोलिज्म जो आपको यूजली डेजर्ट प्लांट में मिलेगा राइट सो यो सी वॉट इज स्पेशल यर इज दिस इज अ कैम्प पाथवे इज अ फॉर्म ऑफ फोटो सिंथसिस जहां पर वॉटर लॉस इज रिड्यूस्ड ओके वाटर लॉस जो रहता है वो पूरी तरह से रिड्यूज होता है बाई कीपिंग द स्टोमेटा क्लोज ज्यूरिंग द डे टाइम यू नो यूजली क्या होता है इन दू नो कैम्प प्लांट द स्टोमेटा विल रिमेन ओपन एट द नाइट एंड टाइम दिल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल एंड ओके एंड इट विल भी गेट कन्वर्टेड इन टू एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस ज्यूरिंग डे टाइम सो दैट इज अबाउट द कैम्प इन द कैम्प प्लाट्स Okay, so this is about the CAM which is called as Crassulacean acid metabolism. What is special here on the unique is tomato will remain closed during the daytime. Okay, and then uh, apart from that I already explained you about the morphological uh, characterization uh, like in a the leaves. Uh, get modified into spine to reduce the rate of transpiration and also about the phyloclade we saw it is a stem modification uh, which will perform the photosynthesis and also they are having a storage tissue to retain large amount of water for long period of time so this was about the physiological uh, adaptation okay and next is in some mammals what you can see is uh, some of the animals they will show the shorter snout, ear, tail, or limb. Yani some body part to minimize the loss of body heat. Okay, from the colder climate. That is uh, Allen's rule says. And then, uh, okay, in some aquatic animals, uh, mammals you can see in the whales or uh, seals. They are having the thick layer of fat called as a blubber. So, uh, this blubber is present below their skin, which acts as an insulator and this reduces the lo loss of body heat. Okay. So, you know, so what we have studied today in this uh, topic was about the morphological adaptation, physiological process, and unique thing uh it is just it all it means all the changes or whatever modification or the adjustment you saw in the plants and animals. this was a, a you know adaptation uh, just to cope up with the particular physical environment okay so that is the adaptation which is very important if the plant animal and any organism have to stay survive reproduce in particular habitat okay so that's it about the adaptation